नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी दुनिया जहां पे भले आपके पास साबुन ना हो नहाने का, लेकिन घर के बाहर कार खड़ी होगी। मजदूरी करने वाली महिला कार से पैर में पहनने के लिए मोजे नहीं होंगे, लेकिन आपके पास जूते होंगे। आपका शकल भले कितना ही काला होगा, लेकिन फिर भी लोग आपको सर कहेंगे। दिलीप बिरहोर सर। तो आ जाओ भाई, आज हम मिलेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो अपने आप में इतने बड़े करोड़पति है कि मतलब उनको तो करोड़पति क्यों, उनको तो अरब खरब पति बोलना चाहिए। अच्छा, जिन लड़कियों को बोला जाता है तुम चूल्हा चौका करो, तुम्हारे बस का नहीं है, वही लड़कियां लोग इस सिस्टम से मेरे साथ थाईलैंड जा रही है सर। बहुत बढ़िया, मेरे नारी शक्ति के देवता, बहुत बढ़िया। नारियों को बहुत आगे ले जाएगा ये, इतना आगे ले जाएगा कि थाईलैंड लेके जा रहा। एक बात तो ठीक है, समझ में आ गया, तू थाईलैंड जाएगा, लेकिन तेरे पास पासपोर्ट है क्या? थाईलैंड के लिए उधर पासपोर्ट लगता है, और जैसा इसका थोबड़ा है ना भाई, कि अगर ये पासपोर्ट बनाने के लिए जाएगा तो उधर पुलिस वेरिफिकेशन में इसको रिजेक्ट कर देंगे। साले तू तीन बंदे जोड़ने का काम करता है ना, चल तू बगिया से पहले निकल इधर से। और फिर भी ये लोग थाईलैंड जाने का सपना देख रहे हैं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ पे आपके सपने होंगे बड़े बड़े और कुछ और लगेंगे खड़े खड़े। तू समझा सर? अगर लोग बोलते हैं फंसने फंसाने का धंधा है सर, लोग किधर नहीं फंसे? फंसे हुए हम लोग भाई, लेकिन कम से कम तुमसे अच्छे है। इधर कोट पहन के तो नहीं बैठे अभी साला? नेटवर्क मार्केटिंग होता ना, तो मेरे को जबरदस्ती कोट पहन के वीडियो शूट करना पड़ता। वीडियो क्यों शूट करता फिर? तो मैं उधर सड़क पे जाके किसी को पकड़ रहा था, भाई साहब आपको करोड़पति बनना है क्या? भाई साहब आपको बनना है क्या? आपको बनना है क्या? अरे कोई तो बनो करोड़पति यार, तभी तो मैं भी करोड़पति बनूंगा, तुम बनोगे तो। ये करना पड़ता, ये तो धोती खोल रहा है। लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंसे, बाप गरीबी में फंसा है, पति पत्नी के चक्कर में, पति पत्नी के चक्कर में, लोग इधर उधर फंसे तो हुए। कौन सा हिप्नोटाइज वाला मशीन से इसको हिप्नोटाइज किया साला, इतना भयंकर हिप्नोटाइज हो रखा है ये। लेकिन कार लेने को फंसना बोलते हैं, एरोप्लेन बैठने को फंसना बोलते हैं, मेरे जैसे बोलने को, बात करने को, सीखने को फंसना बोलते हैं। इधर आ तू, तेरे को मैं फंसाता हूँ, इधर आ। नहीं, इसको क्या बोला इसने, मेरे को एरोप्लेन में बैठने का सपना है ये। एरोप्लेन साला पूरा परिवार आज तक तेरा बस के धक्के खाता होगा, तेरे को एरोप्लेन में जाना, वाह बेटा वाह बेटा वाह। बचपन में हम क्या करते, आसमान में एरोप्लेन देखते किधर है किधर है, तो वो सपना की आसमान से अपने दुनिया देखो कि कैसी दिखती है, वो सपना पूरा करने का मौका दिया जा रहा है। और फिर इसके जैसे लोग ही एरोप्लेन में जाके एरोस्टेज को छेड़ देते हैं। नहीं सालो, बचपन से तुम लोग एरोप्लेन का ख्वाब देख रहे हो और इनको एरोप्लेन में बैठना है। बैठो यार बैठो, लेकिन एक बार बताता हूँ, एरोप्लेन में बैठने से पहले जो भाड़े का कोट लेके आना, उसका किराया देख के जाना, नहीं तो वो ना प्लेन में से उतार के मारेगा तेरे को। पैसे कमाना डजंट मैटर सर, पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा उतना ही कमाया जाता है जितनी औकात बढ़ती है। इन लोगों का कॉन्फिडेंस देख के मुझे कई बार लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में चला जाना चाहिए, लेकिन फिर शर्म आती है खुद पे। साला जिस चीज को मैं रोस्ट कर रहा हूँ उधर जाऊंगा तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी, मतलब थूक फेंक के चाटने जैसा काम हो जाएगा। नहीं है निकेत, सारे काम करना जिंदगी में, चाहे तेल और चटाई लेके बैठ जाना, मगर ये काम मत करना। दिमादा जी क्यों आए हैं आप? सर मुझे ये करना है, इतना अमीर बनना है कि जो गरीबी है ना उनकी गरीबी मिटा सकूं मैं। इसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे इंडिया का। इसका कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता? कॉन्फिडेंस देखो दीदी का, इतना भयंकर कॉन्फिडेंस नहीं कर पाएंगे आप। सर मैं करूंगी और दिखाऊंगी भी। गांव से सीधा यही आगे खेतों में से उठ के, मुंह धोने का भी टाइम नहीं मिला, लेकिन दीदी चलिए गरीबी मिटाने के लिए। क्या बात है, परिवार क्या करेंगे? यस सर। परिवार आपको ताना मारेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं खुद बनना चाहती हूँ सर। अरे तू कुछ भी बन जा, लेकिन मेरा कान मत काटू पहले। कितना तेज चिल्ला रही है ये, सारा पूरा इधर कान का पर्दा फट रहा है, इतना तेज चिल्ला रही है। और मैं भी बहुत तेज बोलता हूँ यार, आज हेडफोन लगाने के बाद क्या करूँ। मेरे को कभी कभी ऐसा एहसास हो जाता है कि, सच बता रहा हूँ, अंदर से ऐसी इच्छा करती है कि नेटवर्क मार्केटिंग को ना ऐसा रोस्ट नहीं करने का, गवर्नमेंट को ऐसा लेटर लिख के इनको बैन करा देने का। आप गलत कर रहे हैं सर, जो चाहत थी उस चाहत से कहीं ज्यादा आप ऊपर जा चुके हैं। बिल्कुल सर, अपने दम से आपने बाइक ले ली। अबे जागो यार जागो, क्या क्या ऊपर गया तू बता? टीवीएस स्पोर्ट की बाइक लेके तूने अंबानी को टच कर दिया है क्या? नहीं, क्या ऊपर गया तू? टीवीएस स्पोर्ट की बाइक, साले हमारे इधर वो खेती वाले लोग भी टीवीएस, अरे वो भी टीवीएस स्पोर्ट नहीं रहते अब तो, जो चार भैंस पालता है ना वो भी साला अपाची रखता है। ये टीवीएस स्पोर्ट लेके इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत भयंकर वाली उपलब्धि हासिल कर ली है। अच्छा, ये बाइक मैंने खरीदा जरूर, लेकिन मैं बताऊं तो इस बिजनेस की जब मैंने शुरुआत किया था, साइकिल से शुरुआत किया था। साइकिल से शुरुआत, कैसा लगता होगा बंदा साइकिल पे कोट बीट पहन के, पूरा टाई वाई में साइकिल पे। सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग, अरे बताने की जरूरत नहीं होगी इनको तो, ये तो दूर से बंदे पहचान जाते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग वाला जा रहा है वो। सब लोग पैर चूरे साले, वो कहीं का प्रेसिडेंट है क्या साले? बेचिंग का कपड़ा तो पहनता कम से कम, देखो नीचे जूता में चला मोजा भी नहीं है। ये बंदा जा कह रहा है और सबको आशीर्वाद में क्या बोल रहा है कि तुम भी तीन बंदे जोड़ो जैसे मेरे जोड़े, या फिर मैं तो जोड़ नहीं पाया हूँ, कुछ उखाड़ नहीं पाया हूँ, मेरे पास मोजे भी नहीं है, तुम तो कम से कम कुछ उखाड़ो यार। कुछ और भी बेहतरीन पर्सनालिटी आज आपके साथ काम कर रही है।
अरे भाई क्या बात है, इसको बोलते हैं पर्सनालिटी। नहीं, एक बार चेहरा देखो, चश्मा देखो इसका। ऐसी पर्सनालिटी पाने के लिए आपको पता 10 फेरोली एक साथ लगाना पड़ेगा, तभी भी जाके पर्सनालिटी नहीं आएगी ना। तो 3 दिन लगातार मई जून के धूप में जाके राजस्थान में खड़े हो जाओ बाहर, तब जाके ऐसी पर्सनालिटी मिलेगी। इसको बोलते हैं पर्सनालिटी। एक काम करो, इनको मॉडलिंग करवाओ, अच्छी पर्सनालिटी है। मॉडलिंग में ना करोड़ों छापेगी, इधर तो कहां फालतू नेटवर्क मार्केटिंग में, मॉडलिंग में भेजो इनको। है ना, एक काम है मैम, आपका नंबर चाहिए था, तो हम बोले ठीक है नंबर ले लीजिए। अरे इंटरव्यू लेते रहना, लेकिन वो पीछे लड़की को देखो, उसको देखो, क्या क्या भाई वो नीचे जमीन में क्या कूद क्या देख रही है उधर, मकसद क्या क्या, क्या दिख रहा है तेरे को? उसका भी जाओ उसके पास, उसको भी माइक वाइक लगा के उसकी स्ट्रगल स्टोरी जानो, वो मन में क्या सोच रही है वो। ये कुछ तो करते नहीं है, रोज कहां जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, किनको क्या पता हम लोग इधर कितनी मेहनत करते हैं, कोट पहन के गर्मी में डोलना कोई क्या हलवा है क्या? मैंने इसमें खासियत ये लगा मुझे कि मैं हर जगह जाऊंगी तो मान सम्मान इज्जत के साथ मुझे लोग देखेंगे। क्या 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 इज्जत, नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए इज्जत? अबे पूरे सोसाइटी में घूम जाऊंगा ना, बोलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग वाला हूँ मैं, साले 4 जूते मारेंगे मेरे को, यार रोस्टर हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग वालों की इज्जत है। तुमको तो लोग भगा देते सुना आजकल लट लेके, इनको इज्जत? वो लड़की है इसलिए शायद इज्जत कर भी देते होंगे, अगर लड़के जाते हैं ना भाई भगवान का नाम कर, हम कोट खोल के शर्ट खोल के जो घसीटा मारते जमीन में दबा दबा के। हाथी चले बाजार, कुत्ते भोगे हजार। तो कुत्ता भौंके हजार और हाथी चले बाजार। मतलब मुंह दिया है तो कुछ भी बोल दो, मेरे को भी मुंह दिया, गाली दू क्या? ये हाथी है साले, तुम्हारे जैसे अगर हाथी होते ना तो सुअर फिर कैसे होते हैं? हाथी चले बाजार, कुत्ते भोगे हजार। इन पे कुत्ते भोग रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हो तुम लोग, जल रहे तुमसे भोगेंगे क्यों नहीं? तुम्हारे पास है जेब में खुले पैसे भी होते हैं क्या कभी, 10-5 रुपए चाय पीने के लिए, कि वो भी उधारी में पीते हो? गजब बेइज्जती है। काम में कहीं से लगा कि कोई गड़बड़ी कोई ऐसा है? सर बहुत अच्छा व्यवस्था सर, क्योंकि आज बिजनेस में आकर के मैं बहुत खुश हूँ। खुशी बुशी गई तेल लगाने, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले ना अपना इंटरव्यू देने के लिए अपने फैमिली वालों को साथ में लेके आओ, मैं उनके माँ बाप से पूछना चाहता हूँ कि आपका बच्चा इस लाइन में गया, क्या आप खुश है क्या? प्लीज मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, इनके माँ बाप को भी लेके आया करो। बहुत जबरदस्त हूँ, और मुझे बोलने का टेक्निक इस बिजनेस से, मैं एक चीज और बताता हूँ सर, कितना क्लियर बोल रहा है बंदा, कितना मतलब एक लाइन में बात कर रहा है बंदा, बोलने की टेक्निक देखो इसकी। इस डायरेक्ट सेलिंग से जो लोग काम करता है ना, इस डायरेक्ट जैसे मान लो जो लोग व्यक्ति काम करके 1 साल 2 साल 3 साल, मैं आपको बताता हूँ, मैं रोस्ट करने बैठा हूँ, मैं कल वीडियो शूट कर लूंगा, मेरे को बहुत काम होता है, बिल्कुल एकदम ऐसे बंदा बात कर रहा है। आपको कितना स्पष्ट समझ में आया, वैसे हमको भी समझ, तेरा टेक्निक ना बेटा, करने के बाद इतना एक्सपीरियंस आ जाता है, एक जैसे एक वकील होता है एडवोकेट, एडवोकेट वकील काम होता है बोलना। किसी वकील ने सुन लिया तो भाई वैसी धारा लगा देगा तेरे ऊपर की नेटवर्क मार्केटिंग का जुनून है ना, माथे से 2 मिनट में उतर जाएगा। जितना वो बोलेगा उतना अच्छा पैसा कमाएगा, अगर वकील नहीं वकालत नहीं करता है तो 1 भी रुपया नहीं कमा सकता। कुछ वकील कोर्ट के बाहर बैठ कर जाति आय मूल निवासी बनाते हैं, लेकिन क्या छोड़ो, वकील की बात नहीं हो रही है, मैं तो इस बंदे की बात करूंगा जो बंदा वकील और खुद को कंपेयर कर रहा है। प्लीज कोई वकील साहब हो तो इसको थोड़ा देना जवाब, मैं तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जवाब देते देते इतना जवाब दे चुका हूँ कि पसीने से तरबतर हो गया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे प्यार मोहब्बत बरसाते रहना। अगला कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आके बता दो, और क्या अभी के लिए बाय बाय।